द क्लब हिच किलर। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो 10 साल पहले टाउन में मरी औरतों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। दरअसल 10 साल पहले इन औरतों को क्लब हिच नाम के एक साइको किलर ने मारा था, जिससे टाउन के लोग अभी भी उस किलर के डर से जी रहे हैं। खैर, आगे हम डॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो की इस टाउन का रेंजर था और इस टाउन के स्टूडेंट्स के रेंजर्स कैंप को लीड करता था। आज डॉन स्टूडेंट्स को कैंप के बारे में बताता है। इन स्टूडेंट्स में डॉन का बेटा टाइलर भी था। टाइलर अपने पिता डॉन, माँ सिंडी और अपनी छोटी बहन सूजी के साथ रहता है। टाइलर के एक अंकल भी हैं, जिनका नाम रूडी है, जो एक केयर फैसिलिटी में रहते हैं और टाइलर की फैमिली उनकी देखभाल करती है। खैर, रात के समय जब टाइलर घर में होता है तो वो अपने पिता को बिना बताए उनकी गाड़ी लेकर एमी नाम की लड़की से मिलने जाता है। दरअसल एमी और टाइलर एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ टाइलर और एमी गाड़ी में किस कर रहे होते हैं, तभी एमी को अपनी सीट के पास एक फोटो मिलती है जिसमें एक महिला को बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। एमी टाइलर से उस फोटो के बारे में पूछती है, जिस पर टाइलर बताता है कि उसे नहीं पता कि ये फोटो किसकी है और यहाँ कैसे आई। तब एमी थोड़ी परेशान होती है और टाइलर से उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। अगली सुबह टाइलर की फैमिली रूडी को लेकर चर्च में जाती है, जहाँ एमी टाइलर को अजीब निगाहों से देख रही होती है। खैर, चर्च के बाद टाइलर अपने स्काउट मेंबर बिली से मिलता है और पार्किंग में छिपी कैसी नाम की लड़की के बारे में बात करने लगता है। असल में टाइलर उस लड़की से डरता है क्योंकि वो लड़की हर साल टाउन में होने वाले मर्डर्स की रिपोर्ट करती थी। इसके बाद टाइलर अपनी फैमिली के साथ घर चला जाता है। जब टाइलर घर पर था तब उसके पास बिली का मैसेज आता है कि एमी ने उसकी कार में मिली फोटो की बात पूरे स्कूल में बता दी है। ये जानकर टाइलर बहुत परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम टाइलर और उसकी फैमिली को टाउन के लोगों के साथ देखते हैं, जहां वो सभी क्लब हिच किलर द्वारा मारी गई औरतों को हर साल की तरह श्रद्धांजलि दे रहे थे। जिसके बाद टाइलर एमी से मिलता है और कहता है कि वो फोटो मेरी नहीं है, जिस पर एमी कहती है कि मैंने सिर्फ अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताया था, मुझे नहीं पता था कि ये बात पूरे स्कूल में फैल जाएगी। ये कहकर एमी वहाँ से चली जाती है। तभी कैसी टाइलर के पास आती है और उस फोटो के बारे में पूछने लगती है, जिस पर टाइलर उसे गुस्से में कहता है कि वो फोटो मेरी नहीं है। तब कैसी भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम टाइलर को घर में देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स के घर से जाने के बाद अपने पिता के गैरेज में जाता है। गैरेज में उसे फर्श पर एक ढीला बोर्ड दिखाई देता है। वो उसे खोलता है तो उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स में कई गंदी मैगजीन्स थी जिसमें औरतों को टॉर्चर करने वाली फोटोज भी थी, जैसे एमी को कार सीट पर मिली थी। इसके अलावा उसे एक औरत का फोटो मिलता है जिस पर नोरा लकी की पसंद लिखा हुआ है। इसी बीच टाइलर को किसी की आवाज आती है, इसलिए वो उस बॉक्स को वापस छिपा देता है। असल में डॉन घर पर वापस आ चुका था। यहाँ डॉन सबसे पहले अपने गैरेज में जाता है, जहाँ वो लॉक को देखकर समझ जाता है कि किसी ने उसके लॉक को छुआ है। खैर, रात में टाइलर नोरा की फोटो के बारे में सोचकर परेशान होता है, इसलिए वो नेट पर नोरा के बारे में देखता है तो उसे पता चलता है कि नोरा भी क्लब हिच की विक्टिम है। इसी बीच टाइलर की माँ सिंडी वहाँ जाती है और उसे सोने के लिए कहती है। यहाँ सिंडी को लग रहा था कि टाइलर रात में जागकर गंदी फोटोज देख रहा था, इसलिए वो सुबह डॉन को इस बारे में बताती है, जिस पर डॉन टाइलर को बुलाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी गाड़ी को भी बाहर ले गए थे। साथ ही वो समझाता है कि मैं जानता हूँ तुम जवान हो रहे हो, इसलिए तुम्हारी बॉडी में बदलाव आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें इमोशन पर कंट्रोल करके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद टाइलर चर्च जाता है और कैसी को जंगल में जाते हुए देखता है। टाइलर उसका पीछा करता है, जिस पर कैसी उसे पीछे करने से मना करती है। तब टाइलर उससे हेल्प मांगते हुए कहता है कि मुझे क्लब हिच के मर्डर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस पर कैसी उसे अपना एड्रेस देकर कल आने को कहती है। अगले दिन टाइलर कैसी के घर जाता है, जहाँ कैसी अपनी दादी के साथ रहती है। यहाँ कैसी उसे मर्डर्स के सबूतों की कुछ कॉपीज और एक बुक देती है जिसमें सभी मर्डर्स के बारे में लिखा था। दरअसल कैसी की दादी पुलिस के लिए काम करती थी और उन्होंने ही क्लब हिच के बारे में ये बुक लिखी थी। कैसी टाइलर से कहती है कि हर सीरियल किलर का एक सिग्नेचर होता है और क्लब हिच का भी सिग्नेचर है।
हैं, जिसमें ये किलर घर में आसानी से आ जाता है और औरतों को रस्सी से बांधता है। साथ ही वो उसके घर के बाहर रस्सी बांध देता है। यहाँ कैसी को यकीन था कि वो किलर जिंदा है। इसके बाद टायलर घर में आता है और झूठ बोलता है कि वो कल से बच्चों को होम ट्यूशन देने का काम करेगा। असल में टायलर होम ट्यूशन की जगह कैसी से मिलने जाता है ताकि वो दोनों मिलकर किलर के बारे में जानकारी निकाल सकें। पर डॉन अपने बेटे पर नजर रख रहा था, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि टायलर ट्यूशन नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड कैसी से मिलने जाता है। इसलिए डॉन टायलर को समझाता है कि तुम्हें अपनी माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। साथ ही वो टायलर को उसकी गर्लफ्रेंड को कल डिनर पर इनवाइट करने को कहता है। इसीलिए अगले दिन वो कैसी को डिनर पर इनवाइट करता है। साथ ही उससे कहता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स के सामने गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना होगा। कैसी डिनर के लिए घर पर आती है और टायलर के पेरेंट्स से बात करती है। जब टायलर कैसी को ड्रॉप करने जा रहा था, तब कैसी मजाक करते हुए टायलर से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता ही क्लोव हिच किलर है। ये सुनकर टायलर डर जाता है और कैसी को अपने गैरेज में मिली मैगजीन के बारे में बताता है, जिस पर कैसी कहती है पर मैगजीन रखना आम बात है और इससे किसी को किलर नहीं कहा जा सकता। तब टायलर उसे नोरा नाम की औरत की फोटो के बारे में भी बताता है। इसके बाद टायलर अपने घर आ जाता है। जब वो सो रहा होता है तब उसकी विंडो पर कैसी नॉक करती है। असल में वो नोरा के बारे में सुनकर काफी सोच में पड़ गई थी, इसलिए टायलर कैसी को गैरेज में ले जाता है और ढीले फर्श बोर्ड को खोलता है, लेकिन उसे वहाँ बॉक्स नहीं मिलता। जब कैसी अंदर हाथ डालती है तो उसे एक मैप मिलता है। टायलर को डर था कि कहीं उसके पिता उन्हें गैरेज में ना पकड़ लें, इसलिए वो कैसी को जाने के लिए कहता है, जिससे कैसी उस मैप की फोटो क्लिक करके वहाँ से निकल जाती है। यहाँ टायलर को मैप देखकर पता चलता है कि वो मैप उसी के घर का है, इसलिए वो मैप को देखकर एक वेंट में घुसता है। वेंट के अंदर उसे वॉशरूम और एक छोटा सा शॉवर रूम दिखता है। साथ ही उसे वहाँ गंदी और अजीब मैगजीन से भरा बॉक्स मिलता है। टायलर को उस बॉक्स में नोरा के अलावा उन औरतों के ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलते हैं जिन्हें किलर ने मारा था। टायलर को लगता है कि उसके पिता ही क्लोव हिच किलर हैं। खैर, सुबह होने पर डॉन टायलर को कैंपिंग पर चलने को कहता है, लेकिन टायलर अपने पिता का सच जानकर कैंप पर जाना नहीं चाहता था, पर फिर भी उसे जाना पड़ता है। तभी डॉन अपनी गन क्लीन करते हुए टायलर से कहता है कि तुमने घर के इवेंट में जाकर जिन चीजों को देखा था वो सारी चीजें मेरी नहीं है। डॉन अपने बेटे को बताता है कि वो बॉक्स अंकल रूडी का था। यहाँ हमें पता चलता है कि जब डॉन और रूडी छोटे थे तब दोनों को इस तरह की फोटोज अच्छी लगती थीं, लेकिन बड़े होकर डॉन ने उन्हें देखने से मना किया, जिससे रूडी की दिमागी हालत खराब हो गई। तब से डॉन ने मैगजीन और रूडी के मर्डर वाले सारे सबूत वेंट में छिपा दिए। इससे रूडी को बुरा लगा और उसने कार के सामने आकर सुसाइड करने की कोशिश की। यहाँ टायलर को काफी अजीब लगता है कि रूडी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि वो जानबूझकर कार के सामने आए थे। अब टायलर पूछता है कि वो मैगजीन और सबूत अभी तक क्यों संभाल रखे हैं। डॉन कहता है कि मैं उन्हें पुलिस के हवाले करता, लेकिन मैंने अपने परिवार के बारे में सोचकर उन्हें वेंट में रख दिया। यहाँ डॉन अपने बेटे से माफी मांगता है और फिर घर जाकर वेंट में रखे सभी सबूत जला देता है। खैर, अगले दिन जब डॉन बच्चों की क्लास ले रहा था तब कैसी टायलर को बाहर बुलाती है। कैसी कहती है कि जो मैप गैरेज में मिला था वो तुम्हारे घर का है, जिस पर टायलर कहता है कि मेरे पिता किलर नहीं हैं और उन्होंने मुझे सब बता दिया है। पर कैसी को उस पर विश्वास नहीं होता और वो उसे मर्डर केस की फाइल्स दिखाने लगती है, जिस पर टाइल फाइल नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ बिली आ जाता है और कैसी को भला बुरा कहने लगता है, जिससे टायलर उसे शांत करने लगता है। पर बिली टायलर से ही झगड़ने लगता है। जब टायलर घर पहुँचता है तो उसे विंडो पर कैसी का सॉरी वाला नोट मिलता है। अगले दिन टायलर कैम्प की लीडरशिप सीखने के लिए टाउन से बाहर जाता है, जिसके बाद डॉन सिंडी और सूजी को अपनी माँ से मिलने का सुझाव देता है, जिस पर सिंडी मान जाती है और अगले दिन अपनी माँ के घर निकल जाती है। इधर डॉन टाउन में घूमता है और शॉपिंग करने के लिए जाता है, जहाँ उसकी नजर टाउन की एक लेडी पर जाती है। वो उस पर नजर रखता है और उसके घर तक उसका पीछा करता है। इससे समझ आता है कि डॉन ही किलर है। इसके बाद वो घर आता है और अपना पुराना सामान निकालता है।
वो अपने कैमरे को लिविंग रूम में सेट करता है। फिर मास्क और विग लगाकर औरतों के कपड़े पहनकर टॉर्चर वाली पोजीशन में अपनी फोटोज क्लिक करता है। तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है, इसलिए डॉन कपड़े बदलकर गेट ओपन करता है और देखता है कि वहाँ कैसी आई है। कैसी डॉन से टायलर के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि टायलर टाउन से बाहर गया हुआ है। इसके बाद डॉन अपना कैमरा उठाकर कैसी की फोटो लेता है। तभी कैसी के पास उसके पिता का फोन आता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ डॉन अपनी फोटोज देखता है और गुस्से में आकर उन फोटोज को फेंक देता है। असल में वो अब रियलिटी में किसी औरत को मारकर उसकी फोटोज क्लिक करना चाहता था। थोड़ी देर बाद डॉन शांत होकर शॉप पर मिली लेडी के घर जाता है और उसके घर के वेंट पर रस्सी बांध देता है। जिसके बाद डॉन घर आकर अपना टॉर्चर वाला सामान निकालता है और फिर चोरी से उस लेडी के घर में घुस जाता है। यहाँ वो लेडी सोफे पर लेटी हुई थी। डॉन सबसे पहले टीवी ऑफ करता है जिससे वो लेडी जाग जाती है। डॉन तुरंत लेडी पर गन पॉइंट करता है और चिल्लाने से मना करता है। डॉन उससे झूठ बोलता है कि मैं एक बैंक लूट कर आया हूँ, इसलिए पुलिस से बचने के लिए मुझे तुम्हारी कार की चाबियां चाहिए। वो लेडी के पर्स से उसका ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लेता है और उसे बेडरूम में ले जाकर बांधता है। वो लेडी दर्द से रोने लगती है क्योंकि डॉन ने उसे रस्सियों से टाइट बांधा हुआ था। फिर वो एक कुर्सी पर बैठकर उस लेडी को देखकर एंजॉय करता है और उसके फोटोज निकालता है। इसी दौरान टायलर एक गन लेकर वहां आता है और डॉन पर गन पॉइंट कर देता है। यहां से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि टायलर टाउन से बाहर जाने के एक दिन पहले कैसी से मिलने नोरा के घर गया था, जहाँ टायलर ने कैसी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लेकिन अब से क्लोव हिच की बातें नहीं करेंगे। कैसी उसे किस करती है और नोरा के घर के अंदर ले जाती है। टायलर उसे फिर से किस करने की कोशिश करता है लेकिन कैसी का ध्यान नोरा के घर की तलाशी में था। कैसी बताती है कि वो किलर इस घर में बेसमेंट से घुसा था और उसने नोरा को मार डाला था। यहाँ टायलर कैसी को सारी सच्चाई बताता है कि अंकल रूडी क्लोव हिच किलर हैं, लेकिन जब उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो वो अपाहिज हो गए और तब से ही वो मर्डर नहीं कर सके। टायलर पूछता है कि आखिर तुम क्लोव हिच के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों निकालना चाहती हो, जिस पर कैसी बताती है कि उसकी माँ को क्लोव हिच ने उसके सामने मार डाला था। यहाँ टायलर को जब पता चलता है कि केसी की माँ का नाम क्रिस्टल है तो उसे याद आता है कि उसने अपने पिता के सामान में क्रिस्टल नाम का लाइसेंस भी देखा था। टायलर बताता है कि उसने अपने पिता के साथ मिलकर सारे सबूत जला दिए हैं क्योंकि वो परिवार को मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। तब कैसी टायलर से कहती है कि अगर तुम्हें अपने पिता पर थोड़ा भी डाउट है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि हम असली किलर तक पहुँच सकें। तब से ही कैसी और टायलर ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के कारण ही टायलर टाउन से बाहर जाने के बजाय कैसी के घर चला गया। दोनों रूडी से मिलने भी गए लेकिन वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। इसके बाद वो दोनों जब डॉन का पीछा करने लगे तब वो डॉन को उस लेडी का पीछा करते हुए देख लेते हैं जिसे डॉन ने बंदी बनाकर रखा था। खैर यहाँ से टायलर अपने घर जाता है और चुपके से डॉन के फोन पर ट्रैकर लगा देता है, पर तभी डॉन रूम में आ जाता है, इसलिए टायलर बेड के पीछे छिप जाता है और अपने पिता को औरतों के कपड़े पहनते देख शॉक हो जाता है। और ये वही सीन था जो हमें पहले दिखाया गया था। इसके बाद टायलर कैसी को मदद के लिए बुलाता है, इसलिए कैसी टायलर के घर आती है और थोड़ी देर रुककर वहां से चली जाती है। ऐसा करके टायलर को घर से निकलने का मौका मिल जाता है और फिर वो दोनों डॉन के फोन को ट्रैक करके उस पर नजर रखने लगते हैं। लेकिन अगले दिन डॉन अपना फोन घर पर ही छोड़ देता है और उस लेडी के पास चला जाता है। यहाँ कैसी को डाउट होता है क्योंकि ट्रैकर सिर्फ एक ही लोकेशन दिखा रहा था, इसलिए वो टायलर को घर पर चेक करने के लिए कहती है। जब वो घर जाते हैं तो उन्हें वहाँ डॉन का फोन मिलता है जिससे दोनों समझ जाते हैं कि वो डॉन को इसीलिए ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद कैसी को याद आता है कि डॉन ने उस लेडी के घर पर रस्सी बांधी थी, इसलिए वो उस लेडी को मारने गया होगा। ये सोचकर वो उस लेडी के घर जाते हैं और डॉन के बनाए रास्ते से घर में घुसते हैं। टायलर अपने पिता की गन भी साथ लाया था। टायलर तुरंत उन पर गन तान देता है। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है। इधर डॉन टायलर को डांटता है कि उसे हथियार नहीं उठाना चाहिए था, पर टायलर उनसे नहीं डरता और सब कुछ कबूल करने को कहकर कैसी से उस लेडी को खोलने को कहता है। यहाँ डॉन टायलर को कंट्रोल करने के लिए कहता है कि तुम्हें कैसी की बातों में नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने किसी को हर्ट नहीं किया है और मेरा और इस लेडी का अफेयर है, इसलिए हम दोनों इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ये सुनकर कैसी डॉन की गन
उठाने के लिए दौड़ती है, लेकिन डॉन उसे पकड़ कर दीवार पर पटक देता है और टायलर से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कैसी गन को उठाए, क्योंकि उसे गन के बारे में जानकारी नहीं है। अब डॉन अपने गन से गोलियां निकालता है और टायलर को भी गन नीचे करने को कहता है। तब टायलर ना चाहते हुए भी गन को डॉन के हवाले कर देता है, जिसके तुरंत बाद डॉन टायलर के ऊपर गन पॉइंट करके उसे शूट करता है, लेकिन ये गन भी खाली थी। टायलर को बहुत दुख होता है कि उसके पिता ने बिना सोचे समझे उसे शूट कर दिया। तभी डॉन टायलर पर हावी होकर उसका गला घोटने लगता है, पर तभी कैसी होश में आकर एक लैंप से डॉन के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। यहाँ कैसी पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन टायलर उसे रोकता है। इसके बाद हम कुछ हफ्तों बाद देखते हैं कि डॉन लापता है, जिस वजह से टायलर की माँ सिंडी का बुरा हाल हो गया, पर बच्चों के लिए वो अपने आप को संभाल लेती है। कुछ समय बाद उन्हें खबर मिलती है कि डॉन की डेड बॉडी मिली है। असल में कैसी और टायलर ने मिलकर डॉन को मार डाला था। खैर, एक दिन कैसी टायलर से मिलती है और कहती है कि पुलिस इस केस को क्लोविज किलर से नहीं जोड़ पाएगी, क्योंकि उस लेडी ने किलर का चेहरा नहीं देखा था। दरअसल टायलर नहीं चाहता था कि किसी को उसके पिता की सच्चाई का पता चले। जब टायलर घर पहुंचता है तो उसकी माँ बताती है कि पुलिस को डॉन की बॉडी मिली थी। फिर वो टायलर को बताती है कि पुलिस ने कहा है कि ये कोई मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड है। फिर टायलर अपनी माँ को संभालता है। अब डॉन के फ्यूनरल के बाद टायलर को एक ट्रूप लीडर के रूप में सम्मानित किया जाता है। यहाँ टायलर स्पीच देते हुए कैसी को देखता है और सोचता है कि कैसे उन दोनों ने मिलकर डॉन को जंगल में ले जाकर शूट कर दिया था और गन को ऐसे रख दिया था जिससे सबको लगे कि ये सुसाइड है। खैर, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।